बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ौक अहमद और मैं हूँ अरुबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बात करेंगे अहम टेलीफोनिक राबिते की। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान का रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक राबिता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा तआवुन, बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैन अलाक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तौहीन रिसालत के ख़िलाफ़ सदर पुतिन के बयान को सराहा। ऐलामी के मुताबिक अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में इस्लामोफोबिया में खौफनाक इजाफे और इससे मुंसलिक नफरत को बेकायदगी से उजागर किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान के रूस के साथ दो तरफा ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन हैं। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान का रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा तआवुन, बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैन अल-अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तौहीन रसालत के खिलाफ सदर पुतिन के बयान को सराहा। ऐलामिया के मुताबिक अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में इस्लामोफोबिया में खौफनाक इजाफे और इससे मुंसलिक नफरत को बाकायदगी से उजागर किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान के रूस के साथ दो तरफा ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन हैं। अहम टेलीफोनिक राबते के हवाले से आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक राबता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा तआवुन, बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैन अल-अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुजरमान वापसी के मुआहदे से मुतल्लिक वजारत दाखिला में अहम इजलास। वफाकी काबीना की खसूसी वजारती कमेटी का पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुजरमान वापसी मुआहदे से मुतल्लिक अहम फैसला। बरतानिया के साथ मुजरमान वापसी के मुआहदे को बेहतरीन अवामी मफाद में दस्तखत किया जाएगा। मुआहदे को वफाकी काबीना में ले जाने से पहले बरतानिया से मजीद मुशावरत की जाएगी। मुआहदे से सिर्फ ऐसे शहरों को वापस लाने की इजाज़त होगी जिनको मुतलका अदालतें सजाएं सुना चुकी हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर इंसानी हुकूक डॉक्टर श्री मजारी और मुशीर बराए दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर ने शिरकत की। कमेटी में ये अहम फैसला सामने आया है। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुजरमान वापसी के माहदे से मुतालिक वजारत दाखिला में अहम इजलास हुआ। वफाकी काबीना की खसूसी वजारती कमेटी की जानिब से पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुजरमान वापसी माहदे से मुतालिक अहम फैसले किए गए। और इसके अलावा आपको अहम खबर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तबेला डैम मुतासरीन के केस का 60 साल बाद फैसला कर दिया। अदालत ने मुतासरीन के क्लेम्स के खिलाफ वापरा की अपील वापस लेने पर खारिज कर दी और मुतासरीन को मुआवजा मुतबादल जमीन की अदायगी से मुतालिक हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं आगाह करेंगे। इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान वसीम, आगाह कीजिएगा, 60 साल बाद फैसला सामने आया है, इस फैसले में क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, 1961 में तरबेला डैम की तामीर के लिए जमीन जो है वो हासिल की गई थी, जिस पर 206 ऐसे मुतासरीन हैं जिन्हें अभी तक ना मुआवजा दिया गया ना मुतबादल जमीन जो है वो हुकूमत की जानिब से अलॉट की गई। आज हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ वापदा की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मुतासरीन के क्लेम के खिलाफ वापदा की अपील जो है वो वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी है। अदालत की जानिब से मुतासरीन को मुआवजा या मुतबादल जमीन की फरहमी से मुतल्लिक हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया है। नामजद चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अपील पर समाअत करते हुए ये रिमार्क दिए कि पॉलिसी के मुताबिक तरबेला डैम मुतासरीन को मुतबादल जमीन नहीं मिली। 206 मुतासरीन को जमीन देने के लिए कितनी अराजी दरकार होगी, ये इस्तफसार किया गया नामजद चीफ जस्टिस की जानिब से वापदा के वकील से, जिस पर वापदा के वकील ने अदालत को यह बताया कि मुतासरीन को देने के लिए 5000 एकड़ जमीन दरकार है। नामजद चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि वापदा रास्ता निकाले और मुतासरीन की तलाफी की जाए। भाषा डैम मुतासरीन के साथ भी वापदा ने अपने मामला तय किए थे। 12 एकड़ अराजी के लिए 1,07,000 का मुआवजा न होने के बराबर है। नामजद चीफ जस्टिस ने कहा कि मुतासरीन के मामला को हाईकोर्ट के फैसले की रोशनी में हल कर लेते हैं, ये यकीन दहानी करवाई गई वापदा के वकील की जानिब से। जी ठीक है, इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद थे, अदालती कार्रवाई के हवाले से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका।
एमक्यूएम ने कराची में हल्का बंदियों पर एतराजात के हवाले से सूबाई वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह को मुरासला भिजवा दिया। मुरासले की कॉपी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, सूबाई और रीजनल इलेक्शन कमिश्नर, तमाम डेप्टी कमीशन्स को भी अरसाल कर दी गई है। मुत्तहिदा के पार्लियामानी लीडर कंवर नवीद जमील ने कराची की हदबंदियों पर 11 एतराजात उठाए हैं। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी किरण खान हमारे साथ मौजूद हैं। किरण खान, बताइएगा क्या एतराजात सामने आए हैं और क्या मुरासला अरसाल किया गया है? जी बिल्कुल, एमकेएम की जानिब से हल्का बंदियों पर एतराजात उठाए गए हैं और इसी हवाले से सेक्रेटरी बल्दियात और वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह को जो है वो खत लिखा गया है, जबकि मरासले की कॉपी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, सूबाई रीजनल इलेक्शन कमीशन और तमाम डेप्यूटी कमिश्नर्स को भी इरसाल की गई है। 11 जो है इस पे एतराजात एमकेएम की जानिब से लगाए गए हैं और खत जो है वो कंवर नवीद जमील ने लिखा है, जिसमें टाउन्स और यूसीज की हदबंदियों में लोकल गवर्नमेंट एक्ट का कहा गया है कि खिलाफ वर्जी की गई है, जबकि टाउन और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का नोटिफिकेशन जारी होने से पहले यह एमकेएम की जानिब से कहा जा रहा है कि इलाका मकीनों के ना तो एतराजात तलब किए गए और ना ही उन्हें सुना गया है। इसके अलावा औरंगी टाउन में एमकेएम ये कह रही है इस मरासले के अंदर कि औरंगी टाउन में जो एक अलग सब डिविजन है उसकी यूसी 9 और 11 को मंगलपीर टाउन में शामिल कर लिया गया है, जो कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन रूल 2015 की सरियन खिलाफ वर्जी है। जी बहुत शुक्रिया नुमाइंदा खसूसी कराची किरण खान अपडेट कर रही थी। आज मंजरनामे से आपको अहम खबर देंगे। अबू धाबी में एयरपोर्ट पर 3 ऑयल टैंकर्स पर ड्रोन हमला हुआ। अरब मीडिया के मुताबिक हौसी बागियों ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। ड्रोन हमले के बाद एयरपोर्ट पर आग भड़क उठी। अबू धाबी में एयरपोर्ट पर 3 ऑयल टैंकर्स पर ड्रोन हमला हुआ। अरब मीडिया के मुताबिक हौसी बागियों ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। ड्रोन हमले के बाद एयरपोर्ट पर आग भड़क उठी है। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं अरब मीडिया के मुताबिक अहम खबर के हवाले से, जहां पर अबू धाबी में एयरपोर्ट पर 3 ऑयल टैंकर्स पर ड्रोन हमला हुआ है, जबकि अरब मीडिया के मुताबिक हौसी बागियों ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मरी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। एसी मरी ने गैर कानूनी तामीरात पर 7 इमारतें सील कर दी। इंतजामिया के मुताबिक गैर कानूनी तामीरात को सील किया गया है, बाद में मिसमार की जाएंगी। तजावुजात बांसरा गली, भूरबंद और सनी बैंक में सील की गई हैं। मरी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। एसी मरी की जानिब से ये 7 इमारतें भी सील कर दी गई हैं। इंतजामिया के मुताबिक गैर कानूनी तामीरात को सील किया गया है, बाद में मिसमार की जाएंगी। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ साजिद शेख से। साजिद शेख, बताइएगा क्या कार्रवाई की जा रही है एसी मरी की जानिब से? देखिए, सानिया मरी के बाद हम देख रहे हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर मरी जो है उमर मकबूल, खास से हमने देखा कि इस हवाले से जायदाद माफिया के खिलाफ जो है उनका क्रैक डाउन का जो दायरा कार है वो वसी हो गया और काफी तेज कार्रवाइयां जा रही है, जिसमें 7 ऐसी इमारतें थी जिनको सील कर दिया गया, जो कि गैर कानूनी तौर पर बनाई गई थी। गैर कानूनी तामीरात को जिन्हें सील किया गया है उनमें बांसरा गली, बूरबन और सनी बैंक में मजमू तौर पर 7 ऐसी हैं जिनको सील किया गया। और जो असिस्टेंट कमिश्नर मरी हैं उनका ये भी कहना है कि चूंकि ये एक पहले से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, उसमें जब मरी सानिया था उसके उस टाइम पे थोड़ा सा इसमें तातुल जरूर आया था, मगर उसको रोका नहीं गया था, मगर अब दोबारा से इसको एक्टिव किया गया है और जितनी भी ऐसी इमारतें जो कि तजावजात होंगी और जो कि गैर कानूनी तौर पर बनाई जाएंगी, इब्तदाई मरहले में उनको सील किया जाएगा, उसके बाद उनको मुकम्मल तौर पर मिसमार कर दिया जाएगा। जी, सील करने के बाद ये इमारतें मिसमार भी कर दी जाएंगी। साजिश कार्रवाई का हवाल बता रहे थे, शुक्रिया। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी की निजकारी के लिए प्राइवेट सेक्टर को खरीदारी की बाकायदा दावत दे दी गई। कंपनी खरीदने के ख्वाहिशमंदों को 31 जनवरी तक इजहार सरमाया करना होगा। 5 अरब रुपए से ज्यादा असासों वाली कंपनी, फर्द या कंसोर्शियम प्री क्वालिफिकेशन की दरखास्त दे सकेंगे, जबकि कंपनी खरीदने वाले को नई इकसाम की सरमायाकारी की इजाजत होगी। तफसीलात क्या है आगाह करेंगे, इकराम होती हमारे साथ मौजूद हैं। इकराम होती, आगाह कीजिएगा, हाउसिंग बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी की निजकारी के लिए प्राइवेट सेक्टर को खरीदारी की बाकायदा दावत दी गई है, कवायद जवाबित क्या होंगे इस हवाले से? जी, इनके कवायद जवाबित में सबसे बड़ा जो है वो ये है कि 30% फंड जो है कंपनी का, वो जिस तरह पहले हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन हाउसिंग फाइनेंस कर रही थी, उसके लिए लाजमी करना होगा। आपको हाउसिंग फाइनेंस जो है वो पाकिस्तान में जारी रखनी होगी। जो दूसरी जो शर्त है वो बड़ी,
वो ये है कि जो छोटे और दरमियाने दर्जे की कारखाने और बिजनेस हैं उनको कर्जा देना होगा, कंज्यूमर फाइनेंसिंग करनी होगी और लीज फाइनेंसिंग करनी होगी, जिसका मतलब ये है कि कोई किराए पे लेता है लंबी मुद्दत के लिए कोई जगह या बिल्डिंग तो उसको भी फाइनेंस करना होगा, और जो कोई माल खरीदता है कारोबार के लिए उसको भी फाइनेंस करना होगा। ऐसी जो अदारे जो या कंपनियां या कंसोर्शियम या अफराद जो के इसको खरीदेंगे वो 5 अरब रुपए से ज्यादा का जो असासे की होनी चाहिए वो कंपनी। कंसोर्शियम जो है प्री क्वालिफिकेशन की दरखास्त जो है तभी दे सकेंगे जब तक जब उनके पास ये समझेंगे कि सरमाया 5 अरब रुपए से ज्यादा है। $1,000 या 1,70,000 रुपए का जो है नाकाबिले वापसी बैंक ड्राफ्ट भी जमा कराना होगा और या फिर पे ऑर्डर जमा कराना होगा, और इसको रजकारी कमीशन को ये हक हासिल होगा कि किसी भी बुनियाद पर दरखास्त को कबूल कर दे या मुस्तरद कर दे। जी शुक्रिया आपका इकराम होती तफसीलात से आगाह करने के लिए। ग्लोबल इकॉनमी रिपोर्ट ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का तजारती खसारा $7 अरब तक पहुंच गया। महंगाई और बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। दरामदात के लिए डॉलर तेजी से कम हो रहे हैं। रिपोर्ट में रवा साल शरानमू मजीद कम होकर 3% पर आने की भी पेशगोई कर दी गई है। और हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसमें बड़ा अच्छा किया कि आपने हमारे मंशूर के ऐन मुताबिक इसको हमारे मिनिस्टर साहब ने अपोज नहीं किया, इसको सपोर्ट किया है और रेफर हो गया है। मेरी गर्व गुजारिश होगी कि इस पर हम मिलकर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से बालातर होकर अगर हम इस पर आगे बढ़ें, और जिसमें काश हमारे पास 2/3 अक्सरियत होती तो हम तन्हा आगे बढ़ जाते, लेकिन हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। मैं दरख्वास्त करूंगा दीगर जमातों से जो इसके बारे में अपनी राय का इजहार गाहे बगाहे करती आई हैं कि वो हमारा साथ दें और हमारे इस मंसूबे को जो जिस पर कि आपको कोई जहनी रिजर्वेशन नहीं है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम आगे बढ़ें। हम उसके बेटी में इत्तफाक राय कर लें या अक्सरियत राय से हम उसको ले जाएं पंजाब असेंबली में भी। मैं समझता हूं क्योंकि अब ये है कि यहां भी हमें राय लेनी होगी और जिस सूबे को आपने बायफर्केट करना है कि वहां की असेंबली से भी आपको एक राय लेनी होगी। वहां भी हम आपके साथ मिलके तावन करने के लिए तैयार हैं, जो जमातें हमारा साथ देना चाहती हैं, ताकि मिलकर हम एक कंसेंसस से या एक वाज़े पब्लिक ओपिनियन को हमवार करके आगे बढ़ें। मेरी राय में अगर ऐसा हो जाता है तो ये जनूबी पंजाब के अवाम की दरीना ख्वाहिश पूरी होगी, ये वफाक को ये कदम जो है मजबूत करेगा और इस कदम से पंजाब के जो महरूम और पसमान पाकिस्तानियों के अक्सरियती एरिया आलम रॉक में अपने कल्चर के मुताबिक प्रोग्राम और शादियों के लिए एक बड़ा शादी हॉल बनाया गया है। हॉल में पाकिस्तानी सकाफत और कल्चर के मुताबिक ही प्रोग्राम तरतीब दिए जाएंगे। इफ्तिताही तकरीब में बरतानिया में आबाद पाकिस्तानी कम्युनिटी की अहम शख्सियात, काउंसलर्स और दीगर खवातीनों हजरात ने भरपूर शिरकत की। बर्मिंघम से रिपोर्ट कर रहे हैं आबिद काजमी। बरतानिया में पाकिस्तानी और कश्मीरी 16 लाख के करीब आबाद हैं। इस वक्त तकरीबन पाकिस्तानियों की चौथी नस्ल बरतानिया में परवान चढ़ रही है और वो अपनी सकाफत और कल्चर के साथ इसी तरह जुड़े हुए हैं कि जैसे उनके आबाओ अजदाद ने आगाज़ किया था। शादी, गमी या कोई और प्रोग्राम हो, पाकिस्तानी अपने रिवायती अंदाज को ही तरजीह देते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के अक्सरियती एरिया आलम रॉक में एक ऐसे शादी हॉल की इफ्तिताही तकरीब हुई जिसमें पाकिस्तानी तर्ज तामीर, सकाफत और कल्चर को प्रमोट किया गया। चक्सवारी आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले बिजनेसमैन चौधरी मोहम्मद जमान अली इस कमी को पूरा करके ओवरसीज पाकिस्तानियों के नाम किया। इस हॉल की इफ्तिताही तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कुरान पाक से हुआ। इस मौके पर रहनुमाओं ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने मुश्किल तरीन हालात में सख्त मेहनत करके बरतानिया समेत पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा किया, आज हमारी नौजवान नस्ल उसी तसलसल को बरकरार रखते हुए है। शुरका का मजीद कहना था, जहाँ ओवरसीज पाकिस्तानी जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में नुमाया मुकाम पैदा कर रहे हैं, वहीं पर नित नए कारोबार खोल कर मुल्क के पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में पीर मुनवर हुसैन शाह जमाती, साबिक लॉर्ड मेयर काउंसलर शफीक शाह, काउंसलर मोहम्मद इदरीस और दीगर ने इस काविश को सराहते हुए कहा, इस किस्म की इन्वेस्टमेंट से अपनी कम्युनिटी और पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा सामने आता है। पाकिस्तान से आने वाले जो लोग हैं उन्होंने इस मुल्क में
जो अपने पांव पर खड़े हुए हैं और चौधरी साहब ने एक नई जो है वो इन पर लोगों को एक तरकीब जो है वो दी है। चौधरी मोहम्मद जमान साहब और इनके बरादरान अल्हम्दुलिल्लाह ये यानी कि आज से अरसा दराज से इन पा ये यहाँ भी और पाकिस्तान में भी इन पा वेलफेयर के काम में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और लोगों की मदद करते हैं। बड़ा शुक्र है बिजनेस शुरू की है, कोई अपने बुजुर्ग ने दवा नहीं नावला, कोई प्यूरो मुर्शिद ने दवा है, कोई बरादरी ने दवा है और कुछ इस महल्ले ने भी दवा जनाब, जरा पूरा आलम राख सोल्ट ली गया, स्मोलिस हुई गया, स्पार्क ली गया, आसन जेल मेरी मदद करी जेल उन्होंने मदद ताबुना ना हो सारा। यहाँ बड़ी बड़ी शादियों का बहुत बड़ा रवाज है और ये एक बहुत ही इन्वेस्टमेंट, इन्होंने मल्टी मिलियन पाउंड इन्वेस्टमेंट की है, इसमें रोज़गार भी मिलेंगे बच्चियों को भी और बच्चों को भी और कम्युनिटी को, इसमें जो कमी थी इतने बड़े अच्छे हाल की वो पूरी हो गई है। I just want to say a huge congratulations to my uncle Zaman and to all, everyone that's taken part to build this implement place. It's lovely, it's awesome and I can't wait until it's opened basically. Community ne yahan bada naam R field mein naam paida kiya hai aur yahan ye jo hai na naujawan community ko bhi मोटिवेट कर रहे हैं कि ये इस तरह के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। प्रोग्राम के आखिर में पीर मुनव्वर हुसैन शाह जमाती ने आलम इस्लाम की सलामती, कोरोना वबा से बचाव और बिजनेस की कामयाबी के लिए इज्तमाई दुआ भी की। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काजमी, 92 न्यूज, बर्मिंघम। बरतानिया जाने वालों को सफर से पहले कोरोना टेस्ट नहीं करवाना पड़ेगा। बरतानिया ने अपने मुल्क में आने वाले अफराद का सफर से पहले कोरोना टेस्ट ना करने का फैसला किया है। अब से कोरोना वैक्सीनेशन का कोर्स पूरा करने वाले अफराद को सफर से पहले